नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अनमोल बनारस YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में आपको हम ले चलेंगे यहाँ के जो डोम राजा हैं उनकी आपको पूरी कहानी दिखाएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे और यहाँ पे अंतिम संस्कार कैसे होता है और बनारस की सकरी गलियों से कैसे जाया जाता है। तो इस समय हम मौजूद हैं चौक वाले रोड पे, तो ये रास्ता सीधे चला जाएगा मैदागिन चौराहा और ये रास्ता जाएगा सीधे गुदलिया चौराहा। तो हम चलेंगे सीधे मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट। और बताया जाता है कि चीता की लकड़ियों पे खाना बनता है डोम राजा खेन, उनसे चलेंगे बातचीत भी करने और यहाँ की क्या परंपरा है। और बताया जाता है कि माता पार्वती जी का कान का कुंडल उसी कुंड में गिरा था, उसी के नाम से मणिकर्णिका पड़ा। तो चलेंगे देखेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। ये पहले द्वार देखिए आप, मणिकर्णिका द्वार है। आइए चलते हैं गली में। बनारस की तंग गलियों में से इधर से पूरा सौ जाता है और ये रास्ता बहुत ही सकरा होता है और यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं एक मणिकर्णिका का बोर्ड लगाया गया है, यही रास्ता जाता है मणिकर्णिका घाट। और यहाँ पे एक जो दुकान है बहुत ही फेमस है, ब्लू लस्सी। आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं और यहाँ पे जो भी लस्सी पीने आता है तो अपना फ़ोटो वगैरह दुकान पे पूरा लगा देता है। तो और चलेंगे हम गलियों के रास्ते से सीधे मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट। आप पूरा गली का नज़ारा देखिए, ये सब एक बोर्ड और लगाया गया है कि आप रास्ता भटक ना जाएं। आपको इस गली में हर एक चीज़ खाने के लिए मिलेगी। यहाँ के आप दुकानें देखिए दोस्तों, यहाँ पे इत्र का भी दुकान है। इस गली में आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगी। आप सामने देख सकते हैं एक सब्जी की दुकान है। आप ये जो गली देख रहे हैं इसी गली में श्री राम नाम सत्य का चारों तरफ ये गूंजता रहता है दिनों रात। और बताया जाता है यहाँ पे मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट पे चीता की आग कभी शांत नहीं होती, दिनों रात किसी न किसी का अंतिम संस्कार होता रहता है। लगभग दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट की तरफ और ये आप जो गली देख रहे हैं इस गली में रोज़ाना करीब 70 से 65 डेड बॉडी जाती रहती है। और आप यहाँ की गलियाँ देखेंगे आपको हमेशा रौनक आपको नज़र आएगी। बहुत सारे दुकान मिलेंगी, जो क्रियाक्रम में जो भी सामान लगता है वो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे रायल हो गया, चंदन की लकड़ियाँ हो गई और यहाँ पे कफन वगैरह बहुत सारे सामान यहाँ पे मिलते हैं अंतिम संस्कार के लिए। आइए चलते हैं और आगे। अब बगल में जो देख रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरा बन के तैयार हो गया है। आप जो ऊपर देख रहे हैं छत पे, उस पे छत पे भी अंतिम संस्कार होता है और नीचे भी अंतिम संस्कार होता है। तो सीधे हम चलेंगे घाट की तरफ। और जो आग वगैरह देते हैं तो यहाँ पे अपना दाढ़ी बाल वगैरह मुंडन वगैरह सब कुछ करवाते हैं, जैसे कि आप देख सकड़िया देख रहे हैं बहुत ही दूर से लकड़ियाँ यहाँ पे आती है। और लगभग हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बाबा मशाननाथ का जो मंदिर आप देख रहे हैं अभी तो ये पूरा बन रहा है,
रिपेयरिंग वगैरह हो रहा है, प्लस्तर वगैरह हो रहा है। तो महामशान की होली भी नज़दीकी है, करीब मान लीजिए 27 से 28 दिन होली को अब रह गया मशान को। आप पहले बाबा मशाननाथ का दर्शन करिए यहाँ से, हर हर महादेव। इस समय दोस्तों हम पहुँच चुके हैं स्वर्गीय जगजीत चौधरी जी के घर पे, और उनको राजा कहा जाता है। तो हम चलेंगे परिवार के सदस्य से बातचीत करने, और यहाँ की परंपरा क्या है, और चीता की लकड़ियों पे बताया जाता है खाना भी बनता है, तो उनसे हम चलेंगे बातचीत करने। हमारे साथ मौजूद है सालू जी। नमस्कार भैया जी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो काशी में अंतिम संस्कार होता है, यहाँ की परंपरा क्या है? देखिए, काशी में लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं जी। यहाँ तक कि लोग बनारस काशी में आते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए जी, ताकि मेरा काशी में अंतिम संस्कार हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ लोग सिर्फ मृत्यु के लिए आते हैं। अच्छा, मरने के बाद तो सौ उदार का जो संस्कार होता है वो तो किसी भी घाट पे हो सकता है, और यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि भगवान विष्णु जी काशी में कई वर्ष, मतलब कई हजार वर्ष तपस्या किए थे भगवान शंकर को लाने के लिए, और माता पार्वती जी का जो कान का कुंडल गिरा था उसका क्या परंपरा है, और काशी का राजा कैसे पड़े? देखिए, ये काशी से पहले इसका नाम था बनगवन जी। तो यहाँ पर जो भी आता था यहीं पर रह जाता था। यहाँ पर 3600 करोड़ देवी देवता का वास है। यहाँ पर जिस भगवान का आप चाहेंगे उस भगवान का आपको दर्शन मिलेगा। हर भगवान का यहाँ पर मूर्ति है। तो यहाँ पर जो भी आया यहीं पर रह गया। अच्छा, तो माता पार्वती भोलेनाथ भी सोचे कि चले देखे आखिर में काशी में है क्या। तो जब वो लोग आए तो वो लोग साधु का भेष करके, अच्छा, मणिकर्णिका घाट स्थित बगल में जो कुंड है वहाँ पर, उसमें माँ गंगा नहीं थी। अच्छा, तो उस कुंड में उन लोग आए स्नान करने के लिए, तो माता पार्वती का कान का कुंडल गिर गया जी। उस समय भगवान विष्णु जी अपने चक्र से उसकी वर्षा की थी, वो कुंड पूरा भरा गया था, उसी में माता पार्वती जी स्नान की थी। माता पार्वती भोलेनाथ दोनों लोग साधु के भेष में आकर इंसान के रूप में, हाँ, उन्होंने दोनों लोग आकर स्नान किए, माता पार्वती का कान का कुंडल गिर गया जी। तो वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, तो वो बोले कि मेरी वाइफ का कान का कुंडल गिर गया है, अगर आप लोग की सहायता हो तो ढूंढने में मदद करिए। तो वहाँ पे उस टाइम कल्लू डोम थे जी, जो उनको हाथ में मिल गया। अच्छा, लेकर वो नहीं बताए कि नहीं मिला। तो भगवान तो भगवान, उनको तो सब पता है, सृष्टि उन्होंने रचाया है जी। तो वो स्वयं अपने अवतार में आए, बोले तुम चंडाल हो। तो भगवान का रूप देखे कल्लू डोम, तो बोले भगवान आपने श्राप तो दे दिया है, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान बोले जाओ जीते पंडित मरते डोम। मरने के बाद चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, तुम्हारे पास आएगा एक दिन के लिए, तुम राजा हो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मतलब तो पूरी दुनिया आती है यहाँ पे आग लेने? सिर्फ हिंदू। अच्छा, सिर्फ हिंदू, हाँ, जो जलाने के लिए, जलाने मुसलमान ईसाई नहीं, वो लोग तो दफन करते हैं जी जी, जो जलाने के पर्पल से आते हैं डेड बॉडी मशान में जलाना है, तो उसके लिए मैं एक दिन का राजा हूँ, एक चिंगी आगे देता हूँ जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जी। अगर हम बात करें कि आपके घर पे जो शेर बना है, इसमें आपके बहुत पहले यहाँ के जो काशी नरेश थे उन्होंने केस किया था, तो आप लोग कुछ दिन पहले कोर्ट कचहरी में लड़े थे और केस भी जीते थे, क्या हुआ था पूरा दरअसल ये बात? ये दादा पाल दादाओं की कहानी है जी, जिसमें भोलेनाथ श्राप दिए थे जीते पंडित मरते डोम जी। तो एक दिन के तो हम राजा ही हैं मरने के बाद, चाहे वो अधिकारी आए, चाहे गरीब आए, चाहे राजा आए, चाहे रंग आए, हम अपने गद्दी पर बैठे रहेंगे, हमारे गद्दी के नीचे बैठे रहेंगे। तो जो है जिसमें ये टाइगर बना था शेर जी, काशी नरेश ने ऑब्जेक्शन जताया कि शेर बाघ टाइगर ये तो राजा महाराजाओं के घर में बनता है, आपके यहाँ क्यों? अच्छा। उन्होंने मुकदमा किया, तो जो पारदादाओं थे उन्होंने साबित किया कि आप मग्घा के राजा हैं, काशी के हम राजा हैं। हाँ, उन्होंने मुकदमा जीता, आज इसलिए मेरा शेर है। आप चंद को भी खरीदा था जी? देखिए, जो सत्यवादी राजा हरिचंद थे सत्यवादी थे जी,
तो विश्वामित्र उन्होंने चाहते थे कि ये सत्यवादी राजा हरिचंद है तो इनका क्यों ना परीक्षा लिया जाए, वाकई में ये सत्यवादी है या नहीं। हाँ। उन्होंने सपने में आकर सत्यवादी से, राजा हरिचंद से सब कुछ दान में मांग लिया। जब सुबह हुआ तो रात में सपने में दान सब कुछ दे चुके थे, तो उसी तरह सत्यवादी राजा तो थे ही जी, तो अपने राजपाट पर अपना हक जताने लगे। तो विश्वामित्र ने बोला कि महाराज आपने तो, राजा साहब आपने तो सपने में सब कुछ दान कर दिया है, अब इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, आप ये आपका महल, ये आपका किला, ये आपका नहीं है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने अपना किला, मकान, पति, परिवार सब कुछ छोड़कर घर से निकल गए। तो उस टाइम उनको खरीदने वाला धरती पर कोई भीड़ नहीं था, तो कल्लू डोम ने उनको खरीदा, अब मसान पर उनको काम दिए जी कि देखिए मेरे पास तो यही काम है, हम तो कल्लू डोम है, हमारा लाश जलाना काम है, अब ये डेड बॉडी को जलाइए, मेरा ये काम करिए। तो उस टाइम जो तारामती उनकी पत्नी थी, उनके बेटे पुत्र रोहितार जी, उनको ने सर पर काट लिया। वो अपने बेटे का बॉडी लेकर आई, बोली कि देखिए तो मेरे पति ही हैं राजा हरिचंद, तो अपना बताएं कि ऐसे से ऐसे मेरे बेटे के साथ हो गया। तो बोले ठीक है, उनका जो अंतिम संस्कार था वो कराए, कराने के बाद बोले आप मुझे कर दीजिए जी। तो तारामती ने बताया प्रभु मेरे पास कुछ देने के लिए कुछ है नहीं। तो बोले कि बिना कर दिए इस घाट पे आपके बेटे का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो तारामती ने अपने साड़ी का आंचल फाड़ कर उनको कर के रूप में दिए, जो आज हम लोग को वही कर के रूप में अग्नि देकर लेते हैं, गेहूं, चावल, पैसा, जिसके पास भगवान जो दिया वो हम लेकर और उनका उद्धार। उन्हीं के नाम से ही राजा हरिचंद घाट पड़ा जी। आज भी वहाँ पे अंतिम संस्कार होती है जी, और सबसे पहले जो अंतिम संस्कार होती थी मोक्षदायिनी मणिकर्णिका, तो वो तो कई हजारों साल से चली आ रही है। और यहाँ का यहाँ पे रोज़ाना डेड बॉडी कितनी आ जाती है? डेड बॉडी का तो कोई संख्या नहीं है। अच्छा। मरने के लिए डेली लोग मरते हैं रोज़ाना, फिर भी अंदाज़ा 60, 70, 50, 100, 80, ये तो सिस्टम के ऊपर है, मरने के ऊपर है ना, जो अच्छा। मरेगा वही आएगा। और अभी कुछ दिन पहले नगर निगम अपना जैसे बता रहा था कि यहाँ पे टैक्स वगैरह लगेगा और नंबर लगेगा, 5 कर्मचारी वगैरह लगेगा, ये तो हर समय तो नगर निगम का चला आता है लिखित, मगर इसका अभी तक घाट पे कोई ऐसा चीज़ हुआ नहीं है। देखिए अगर इसके लिए अगर नगर निगम या सरकार कुछ भी करेगा, देखिए हम लोग डोम परिवार समाज के जी, हम लोग पढ़ लिख कर भी, हाँ हम लोग पढ़ लिख कर भी हम किसी का नौकरी नहीं करना चाहते हैं, किसी का गुलामी हम लोग आज तक कभी किए नहीं है कि जाकर कहीं नौकरी करें, किसी का गुलामी करें। हम लोग को जो अपना कार्य है, अगर हम लोग अपना कार्य छोड़ देंगे ना तो किसी के बस के बाहर है कि मेरा कार्य कोई संभाल ले। और वहाँ पे काशी में तो 1-2 घंटा बाद तो रह ही नहीं सकता अंतिम संस्कार में, जो इतनी तेज आँच लगती है, मेरा कार्य कोई संभाल भी नहीं सकता, नहीं संभाल सकता, मैं अपना अस्तित्व खोना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी पहचान डोम राजा डेड बॉडी जलाने से है, तो मैं अपना न पहचान खोना चाहता हूँ, नहीं मैं अस्तित्व करना अपना खोना चाहता हूँ। 2021 में किसी के लिए मैं किसी का नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे जो भी मिल रहा है वहीं से मुझे वहीं से खुशी है जी। मैं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को भी यही कहूँगा कि आप लोग पढ़िए लिखिए, ग्रेजुएट बनिए, आप लोग को शिक्षा मिले हर चीज़ हाँ। का सरकार की तरफ से सब कुछ का सहयोग मिले, लेकिन जो अपना कार्य उसको मत छोड़िए हाँ। इसलिए ये कोई कर नहीं सकता है, ना नगर निगम कर सकती है, ना कोई और कर कोई सकता और है, कर सकता सिर्फ डोम के सिवा। अच्छा, इसमें आप लोगों का पारी वगैरह भी बनता है, परिवार में आपके सदस्य भी बहुत ज़्यादा होंगे? हमारे डोम परिवार में कम से कम 70,000 परिवार है जी। 70,000 परिवार में सबका यहाँ पर पारी लगता है। अच्छा। किसी का 4 दिन है, जैसे ये हमारे जो डोम राजा काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी जी, इन लोग का महीना भर में पारी मिल जाता है। बाकी जो डोम समाज के लोग हैं, किसी का 2 साल पे आता है, किसी का 5 साल पे आता है, किसी का 10 साल पे आता है, इस तरीके से बाकी लोग जो है अपना डेड बॉडी जलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं, अपना दाल रोटी चलाते हैं। 19 में उनको भेजा गया था प्रस्ताव जी, और 2021 में उनके पुत्र जी को, ओम चौधरी जी को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से जी। और उनका मृत्यु जैसे 2020 में हुआ था स्वर्गीय जगदीश चौधरी जी का, थोड़ा सा अच्छा, तो उनका पीछे का कहानी क्या है जो
जगदीश चौधरी जी जो थे वो कैसे रहते थे, और यहाँ पे सुने कि अखाड़ा भी है, वो पहले रियाज वगैरह भी मारते थे। हमारे जो मामा जी थे स्वर्गीय जगदीश चौधरी, बहुत सरल व्यक्ति थे, राजा तो थे ही। हाँ, डेड बॉडी अगर मनकनका घाट आ जाए या हरिचंद घाट पे आ जाए, कोई लावारिस आ जाए, उनका उद्धार कराना, जिसके पास नहीं है उनका जेब से पैसा लगा कर उनका डेड बॉडी का उद्धार कराना, प्लस उनसे लास्ट में बोलते थे आपके पास 1 रुपया या 11 रुपया 10 रुपया जो भी आपको भगवान दिए, बस आप हमको कर के रूप में दे दीजिए, बाकी तो हम आपका कार्यक्रम करा ही देंगे। इसलिए जिसका कोई नहीं है उसका हम क्या है, उसका खुदा है, भगवान है, लेकिन जिसके पास नहीं उसका भी तो उद्धार होना चाहिए, जिसके पास है उसका तो हो ही रहा है। और प्लस सरल व्यक्ति थे, राजा का मतलब कि प्रजा को दुख समझना, समझते थे, हेल्प करना, गरीबों को समझना, उनकी सहायता करना, एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अच्छा, जब पद्मश्री से उनके पुत्र को सम्मानित किया गया था तो आप पीएम मोदी को बधाई कैसे दिए थे उनको? अरे हम तो क्या, हमारा पूरा काशी वासी, हमारे डोम समाज और इज्जत सम्मान वगैरह पड़ा, बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए हमारा डोम समाज तो प्रसन्न हुआ कि जिस परिवार को, जिस जाति को लोग बैठाने के लिए अपने साथ में, खाने के लिए, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लोग चूकते थे, आज मोदी जी की वजह से आज हम लोग का सर बहुत ऊंचा है हमारे डोम समाज का। अब मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डोम समाज के परिवार की वजह से है कि उनकी वजह से ये सम्मान मुझे हमारे डोम समाज काशीवासी को मिला। और काशी में तो जीवन के अंतिम समय लोग मरने के लिए आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मृत्यु भवन भी बनाए गए हैं, उनका क्या है यहाँ पे परंपरा? बोले तो काशी ऐसा जगह है, यहाँ पर तो लोग सोचते हैं सिर्फ मेरी मृत्यु हो जाए, भले डेड बॉडी न जले, यहाँ पर मृत्यु होना ही सौभाग्य है। अच्छा, भले हमें अग्निडोम परिवार से न मिले, लेकिन मेरी मृत्यु हो जाएगी काशी में तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बनारस में मृत्यु भवन बना है जी, मृत्यु भवन बनाए गए, मुक्त भवन जी, कि यहाँ पर सिर्फ मृत्यु हो जाए। अब मरने के बाद तो जाना ही है, चाहे हरिचंद घाट जाए चाहे मनकनका घाट जाए, काशी तो काशी कहीं भी मेरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करें, तो काशी में तो आप तो लोगों को मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, वो तो सीधे कैलाश जाते हैं, तो आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये तो बाबा भोलेनाथ की नगरी में उनका आशीर्वाद है हमारे डोम समाज पर, गंगा माँ का आशीर्वाद है कि हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अब इससे बड़ा खुशी हम लोग को क्या चाहिए। आइए थोड़ा हमको ये जो आपका जो अखाड़ा वगैरह है वो दिखा दीजिए अखाड़े में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अखाड़े के बारे में आप बताइए। ये देखिए हमारा कुल देवी का मंदिर है जी, हमारे डोम समाज के कुल देवी का मंदिर है जी। जब इनका हम लोग पूजा पाठ 3 साल पे करते हैं तो हमारे डोम समाज के लिए होली दिवाली से भी बढ़कर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिस टाइम इनका हम लोग 3 साल पे पूजा करते हैं। ये देखिए हमारा जुड़ी गदा है। अच्छा, इस रूम को अगर हम देखते हैं तो इस पर पूरा जैसे ऊपर से मट्टी डाला गया है, ये कुश्ती लड़ने के लिए है। अच्छा, हाँ, जैसे नागपंचमी वगैरह पे कुश्ती होता है कि और क्यों नहीं, उसके पहले भी चलता है। नागपंचमी के टाइम फेस्टिवल होता है पूरी बनारस में, क्या पूरे हिंदुस्तान हर जगह होता है, अखाड़ा लोग लड़ते हैं। बाकी टाइम जो है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे लड़ना है उनके साथ, उनका लड़ना है उनके साथ, तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइम जो है हम जो ओम चौधरी के पूर्वज लोग थे उस टाइम, वो लोग शुरू से ही ये डोम राजा परिवार पहलवानों का शौक था। अच्छा, पहलवानी का। तो रोज़ाना यहाँ पे कितने लोग रियाज वगैरह मारते हैं? जिसका शौक करता है वही। अच्छा, आता है। ये अखाड़ा है, व्यायामशाला है, इसके लिए तो कोई मना करेगा नहीं कि आप मत आओ आप मत आओ, जिसका मर्जी करता है वो आता है। जोड़ी है, गदा है, जो सब लोग जोड़ी है कांटेदार। हाँ, ये कांटेदार वाली जोड़ी है जो ओम के पूर्वज फेरते थे, आज के डेट में ओम भी फेरता है। अच्छा, हाँ, जगदीश चौधरी के लड़के ओम भी फेरता है। और आइए आपको दिखाते हैं, ये जो नाल है देख रहे हैं, अगर आज हम लोग चाहें भी तो नहीं उठा पाएंगे, आज के डेट में तो कोई नहीं उठा पाएगा। लेकिन ओम चौधरी के जो पूर्वज थे, हाँ, आइए आपको दिखाते हैं, उस टाइम वो एक हाथ से उठाते थे। अच्छा, एक हाथ से उठाते थे वहाँ पे। वो तस्वीर देखिए,
जो आज के डेट में कोई उठाने अच्छा, वाला इनका नहीं। नाम था पहलवान देवी चौधरी जी। ये कौन थे? ये ओम के दादाजी के दादाजी। अच्छा, थे आज के डेट में धरती। और यहाँ पे बहुत सारे तस्वीरें उनके लगाए गए हैं जगदीश चौधरी के। हाँ, ये ओम। अच्छा, उस समय का माहौल भी कुछ और था, लोग काफी लोग अपने भीड़ लगा के देख रहे हैं। हाँ। जोड़ी फेरते हुए ओम चौधरी। हाँ, और ये कौन है छोटा सा लड़का? ओम चौधरी है। अच्छा, जगदीश चौधरी के पुत्र, अपने पापा के सामने जोड़ी फेरते हुए। अच्छा, उस समय का भीड़ भी बहुत ज्यादा है, जैसे लोग छत वगैरह पे देख रहे हैं। अच्छा, दोनों हाथ से भी फेरते थे वो। हाँ, जोड़ी दोनों हाथों से फेरी जाती थी। ये आपको दिखाते हैं, ये काटा जो है। अच्छा, ये काटा आप देख रहे हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ खुल जाता है, कील वाला। एक पटरा जमीन पे रखा था, ऊपर से डोम राजा जगदीश चौधरी सोते थे। अच्छा, उसके ऊपर से दूसरा पटरा कील का रखा जाता था। अच्छा, उसके बाद एक पत्थर का नाल 70 से 80 किलो kg तक, 1 क्विंटल तक ऊपर रखा जाता था। उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होता था, डोम राजा जगदीश चौधरी के ऊपर। अच्छा, आज के जनरेशन में बहुत सारे युवा चले जाते हैं जिम में, और जो अखाड़े पर रियाज वगैरह मारता रहता है वो तो हमेशा बरकरार रहता है। देखिए, अगर कहावत है ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन जी। तो अगर आप हिंदी रियाज मार रहे हैं, देसी रियाज अगर आप मार रहे हैं, तो आप रियाज मार कर छोड़ भी देंगे तो उसी तरह रहेंगे, वो हमेशा रहेगा। जिम में क्या है कि पंपिंग होता है, रबड़ वो पाउडर वगैरह खा के शरीर फुला लेते हैं, फिर छोड़ने के बाद कहानी खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ की अगर हम मंदिर की बात करें तो बहुत ही प्राचीन मंदिर, पुरानी लग रही है जी। तो थोड़ा इसके मंदिर के बारे में, ये तो हमारे अखाड़े का बजरंगबली का है। ये हमारे गुरु बजरंगबली हैं जी। अखाड़ा कहीं भी होगा अपने बनारस में कहीं भी, तो बाबा गुरु बजरंगबली का मंदिर जरूर होगा। अच्छा, और यहाँ पे छोटे छोटे सीढ़ियाँ बनाई गई। ये तो बस उनके प्रवेश एंट्री का उनका आशीर्वाद है कि वो जाए सीढ़ी चढ़कर अपना अपने जगह पर स्थान करें। और थोड़ा जैसे यहाँ पे जो आपके घर पे जो खाना वगैरह बनता है, बताया जाता है कि चीता की लकड़ियों पे खाना बनता है। ये दिखाते हैं, देखिए। अच्छा, ये सब बहुत सारी लकड़ियाँ रखी है। देखिए, ये डेड बॉडी जल जाता है, उसकी जो लकड़ी बचती है ये वही लकड़ी है जिस पे हम लोग इस धुना पर रख कर अच्छा सुबह टाइम अपना खाना बनाते हैं, खाना बनाकर हम लोग खाते हैं। अच्छा, इस लकड़ी पर खाना बनाने से हम लोग को बहुत सी फायदा है, जैसे गैस की बीमारी जी, मिर्गी की बीमारी, अगर किसी को मिर्गी की बीमारी है या अच्छा, गैस की अगर समस्या है। अच्छा, कोई प्रकार का जैसे रोग वगैरह नहीं होता है? नहीं होता है, रोग नहीं होता है, खास करके जैसे गैस की समस्या नहीं होगी। अच्छा, शुद्ध प्लस इस लकड़ी पर जैसे किसी को मिर्गी का बीमारी होता है। हाँ, तो उसको हम लोग मसान पर बुलाकर रोटी बनाकर 5 इतवार रविवार मंगलवार को बुलाकर देते हैं, जिससे उसका समस्या भगवान मसाननाथ भोलेनाथ स्वयं खुदी दूर करते हैं। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे बताया जाता है चीता की आग कभी शांत नहीं होती, दिनों रात किसी न किसी का अंतिम संस्कार होता रहता है। और यहाँ पे काशी में मुक्षु भवन भी बनाया गया है, जो 50-60 साल के ऊपर जो हो जाते हैं तो काशी में अंतिम समय वो रहना चाहते हैं, तो यहीं पे उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो यहाँ पे पंचतों में विलीन हो जाते हैं, सीधे काशी से कैलाश चले जाते हैं। तो आइए चलते हैं और आगे का आप लोगों को दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बता दें, यहाँ पे रोज़ाना डेड बॉडी 60 से 70 रोज़ाना आती है, और बहुत ही दूर दूर से आती है, गाज़ीपुर, बलिया, चंदौली। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं, और यहाँ पे आने का एक अलग ही अनुभव मिलता है। अगर आप मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट पे आ रहे हैं, 2 से 3 मिनट अगर बैठ जाएंगे तो आपको घर जाने की इच्छा ही नहीं करेगी, कुछ अलग ही सुकून मिलता है। बताया जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा घमंड है तो काशी में आइए, यहाँ पे राजा से फकीर अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे जल के खाक हो चुके हैं। यहीं से आग लिया जाता है, यहाँ बाबा किनाराम का। और यहीं से आग लिया जाता है, तब जाके चीता में आग लगती है। और यहाँ का पूरा देखिए दृश्य,
आइए दोस्तों चलते हैं, छत के ऊपर से पूरा दृश्य दिखाएंगे आपको। उस पर भी अंतिम संस्कार होता है और नीचे भी अंतिम संस्कार होता है। तो हम सीधे चल रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर। इस समय दोस्तों हम छत के ऊपर लगभग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी भट्टियाँ आप देख सकते हैं। इसी में डेड बॉडी जलाया जाता है और नीचे भी जलाया जाता है। तो पूरा छत का पूरा नज़ारा देखिए। आपको हम ऊपर से एक और दृश्य दिखा रहे हैं, वो देखिए सामने बहुत सारे लकड़ियों का स्टॉक रखा गया है और यहाँ पर पहले से ही स्टॉक रखा जाता है। जब बाढ़ वगैरह आता है तो छतों पर ही अंतिम संस्कार होता है। आप यहां से पूरा नीचे का दृश्य देखिए पहले, इधर ये दिखाइए, यहां पे बहुत सारी लकड़ियां रखी गई है, वो देखिए लेके जा रहे हैं लकड़ी। और यहां पे काफ़ी संख्या में मजदूर भी काम करते हैं। आपको यहां पे हम बहुत सारे मंदिर भी प्राचीन हैं, जो आप मंदिर ये देख रहे हैं, रत्नेश्वर महादेव जी का ये मंदिर है। बताया जाता है इस मंदिर के बारे में कि रत्नेश्वर महादेव जी खुद मुर्दे के कान में मोक्ष का मंत्र फूंकते हैं और अंतिम संस्कार में जो भी आते हैं दूर वगैरह से, तो यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे नीचे दुकान भी है खाने पीने का, वो भी देखिए आप लोग। और इधर से आप घाट का नज़ारा देखिए, वो दिखाइए घाट का पूरा नज़ारा। अब इधर से चलते हैं सीधे हम मणिकर्णिका कुंड के तरफ। आपको उस कुंड का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। बताया जाता है कि वहाँ पे माता पार्वती जी का कान का कुंडल गिर गया था, उसी के नाम से मणिकर्णिका कुंड पड़ा। दोस्तों आप सीधे चल रहे हैं मणिकर्णिका कुंड के तरफ। आप यहाँ पे बहुत सारे दुकान देख सकते हैं खाने पीने के लिए लगाए गए हैं। के हैं मणिकर्णिका कुंड। बताया जाता है यहाँ पे माता पार्वती जी का कान का कुंडल गिरा था, तो उसी के नाम से मणिकर्णिका कुंड पड़ा था। हमारे साथ मौजूद है, नमस्कार भैया जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रधान पुरोहित बब्बू महाराज, मणिकर्णिका चक्पुष्करणी कुंड। यहाँ पे देखा जा रहा है महाशिवरात्रि के कैसा विशेष तैयारी जी चल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे महाशिवरात्रि की तैयारी हो रही है, चूँकि काशी में लाखों लोग जो अंतर्गिरी यात्रा करते हैं और पंचकोशी यात्रा जो मणिकर्णिका कुंड से ही शुरू होती है, मणिकर्णिका कुंड पे ही खत्म। कितनी सालों से ये परंपरा चली है? सैकड़ों सालों से चली आ रही है और ये पंचकोशी यात्रा यहाँ की काशी की बहुत ही प्राचीन यात्रा है। और अंतर्गिरी यात्रा जो कि ये शिवरात्रि के एक दिन पहले होती है, इसको अंतर्गिरी यात्रा करते हैं, जो कि मणिकर्णिका कुंड से ही शुरू होती है, मणिकर्णिका कुंड पे ही ख़त्म होती है, जिसकी तैयारी यहाँ पे सफाई अभियान से शुरू हुई है। अच्छा। और उम्मीद है कि 15 तारीख तक 14 तारीख तक ये सफाई पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। और ये मणिकर्णिका कुंड के बारे में क्या इतिहास? मणिकर्णिका कुंड के बारे में इतिहास की जानकारी ज़्यादा तो नहीं, हम बस शॉर्टकट में बता सकते हैं कि समझ लीजिए कि गंगा के अवतरण के पहले का है, भगवान विष्णु के चक्र द्वारा स्थापित है। जिस समय गंगा धरती पर नहीं आई थी उसके पहले का ये चक्र पुष्करणी कुंड है। कहा जाता है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्ग इष्ट राजयति यत्र सहसा श्री मणिकर्णिका। जहाँ पे मृत्यु मंगलकारी हो, स्वर्ग सुख तिनके के समान हो, वह श्री मणिकर्णिका स्थली है। और यहाँ पे मुक्ति या मोक्ष के लिए जो भी व्यक्ति आते हैं तो वो मणिकर्णिका की दासी है मुक्ति। अच्छा। जो भी आप यहाँ पे कल्पना करके डुबकी लगाते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। और बताया जाता है कि पंचकोशी यात्रा जो भी पहली बार प्रारंभ करता है तो इसी कुंड में स्नान करके वो यात्रा अपना पंचकोशी यात्रा का संकल्प यहीं से लेते हैं और फिर बाद में पुनौती भी यहीं पे छोड़ते हैं। अच्छा,
उसके बाद महाशिवरात्रि उसी के बिहान हाँ, उसके है। उसके बाद महाशिवरात्रि उसके दूसरे दिन पड़ती है। तो उसमें तो एक से एक हड़बंगी आते हैं। हाँ, चूंकि अब शिव की नगरी है, हड़बंगियों की तो नगरी है ही। अच्छा, तो उसमें वो नहीं रहेंगे तो मजा भी नहीं आएगा ना जी। तो शिव के भक्त, शिव के गढ़ तो हर मतलब भूत प्रेत पिशाच सन्यासी साधु संत फकीर सब हैं। सब है। महादेवी एक ऐसे हैं जिनके गढ़ में सब कोई शामिल है। देव दानव मानव गंधर्व किन्नर सब सब है शिव के अधीन। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। लोगों को हम दिखा रहे हैं रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों आप सीधे बढ़ रहे हैं सिंधिया घाट की तरफ। आप जैसा कि सुंदर सा दृश्य देख सकते हैं शाम का, और अंतिम संस्कार में जो भी आते हैं इसी जगह गंगा स्नान वगैरह करते हैं, काफी संख्या में आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत।